पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह के निधन की खबर सुनकर घुमारवीं में शोक की लहर दौड़ गई है। इस अवसर पर घुमारवीं नगर परिषद के प्रांगण में शोक सभा का आयोजन किया गया तथा मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश धर्माणी ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जो क्षति राजा साहब के जाने से हुई है उसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता। आज हिमाचल के लोगों ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया है जो हमेशा हिमाचल के लोगों के बारे में सोचता था। आज घुमारवीं क्षेत्र में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उनमें राजा साहब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रार्थना करते हैं और उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे। राज साहब के बारे में बहुत यादें जो हैं वो हर व्यक्ति की उनके साथ जुड़ी हैं, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में अपने राजनीतिक जीवन के दौरान मैंने वहाँ यात्राएं की थी, लोगों से मिले हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी अगर उनकी शक्ति थी वो हिमाचल प्रदेश की जनता थी। एक हमारे पार्टी के महासचिव थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनार्दन द्विवेदी जी, उन्होंने एक बार बताया कि जब शुरू में ये अभी राजनीति में सक्रिय हुए थे उसमें और भी कई राजा महाराजा या जो राज परिवार के लोग थे वो भी राजनीति में अपना भाग्य आजमा रहे थे, कई आ चुके थे राजनीति में और कई कईयों का पदार्पण हो रहा था, लेकिन ज़्यादातर जो राजा महाराजा थे वो लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। हालांकि वो जीत जाते थे, उनका नाम था, लोग उनको लोगों की श्रद्धा थी, लेकिन वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे अलग लीक से हटकर राज परिवार से संबंध रखने वाले, या राजा भी उनका अभिषेक हुआ था, लेकिन वो जब भी बोलते कि ICC के दफ्तर में आए तो हमेशा लोगों के साथ आते थे और वो नेताओं के साथ कम समय व्यतीत करते थे, लोगों के बीच में ज़्यादा घुल मिल के रहते थे। तो ये जब वो नौजवान थे 1962-63 के आसपास की बात वो सुनाते थे और वही इनका अंतिम समय तक जीवन का ध्येय रहा। जीवन में जब भी वो सक्रिय रहे हमेशा ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले। ऐसे कई वाक्य हैं जहाँ पे मतलब अगर ये सोने भी चले जाते थे तब भी मिलने के नाम से बाहर आ जाते थे। एक बार हम लोग भी वहाँ यूथ कांग्रेस में होते थे और बैठे रहता हूँ। चुनावों के वक्त की बात है, पूरा दिन हालांकि थक जाते हैं, लगातार टूरिंग करने से लगातार लोगों से मिलते जुलते, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे एक मारवी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक थी, उस बैठक को इन्होंने संबोधित किया और उसके बाद फिर वो सोने जा रहे थे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि हमारी बातें कुछ रह गई तोड़ने के लिए, अंदर वो कपड़े बदलने